इटली के फेमस डिजाइनर साल्वाटोर फेरागामो ने अपनी ऑटोबायोग्राफी शूमेकर ऑफ ड्रीम में लिखा है, एक बार मेरी कंपनी को हीरे और रत्न जड़ित 100 सैंडल बनाने का ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर मुझे कूच बिहार की महारानी ने दिया था। महारानी अपनी पसंद की डिजाइन चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझे हीरे और बेशकीमती रत्न सैंडल में जड़वाने के लिए कहा, जो उन्होंने खुद भेजे थे। रत्न जड़ित सैंडल के अलावा सचने सवरने का भी खूब शौक। सिल्क और शिफॉन की साड़ियां ही पहनती। भारत में इस तरह की साड़ियों का ट्रेंड इन्हीं की वजह से आया। आज कहानी बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत महारानी इंदिरा देवी की, जो प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि ग्वालियर राजघराने में पक्की हो गई। अपनी शादी तोड़कर लंदन जाकर लव मैरिज कर ली, वो भी एक बिगड़ेल राजकुमार से, जिसके महाराजा बनने के कोई आसार नहीं थे। पर इंदिरा देवी किस्मत से महारानी बनी। बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव तृतीय गायकवाड़ ने दो शादियां की, पहली चिमनाबाई प्रथम और दूसरी चिमनाबाई द्वितीय से। महाराजा के कुल 13 बच्चे हुए, जिसमें से एक थी 19 फरवरी साल 1892 को जन्मी इंदिरा देवी। साल 1911, 19-20 साल की उम्र में इंदिरा देवी एक दिन अपने छोटे भाई के साथ दिल्ली गईं। वहां उनकी मुलाकात कूच बिहार के तत्कालीन महाराजा राजेंद्र नारायण के छोटे भाई जितेंद्र नारायण से हुई। कुछ ही दिनों में यह मुलाकात प्यार में बदली और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। पर दो दिक्कतें थीं। पहली, इंदिरा देवी की सगाई बचपन में ही ग्वालियर के होने वाले महाराजा माधवराव सिंधिया से पक्की कर दी गई थी। उस वक्त ग्वालियर राजघराना देश के विशिष्ट राजवंशों में एक था। अगर बचपन की सगाई टूटी तो ग्वालियर और बड़ौदा के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ेंगे। इन्हीं सब बातों की वजह से इंदिरा देवी बखूबी जानती थी कि उनके माता पिता नाराज होंगे। तब इंदिरा देवी ने खुद साहस दिखाया। उन्होंने अपने मंगेतर महाराजा माधवराव सिंधिया को एक खत लिखा कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। खत मिलने के बाद ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया बहुत शालीनता से पेश आए। उन्होंने एक खत लिखकर इंदिरा देवी के पिता महाराजा सयाजी राव तृतीय गायकवाड़ से कहा कि मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूँ। पत्र के नीचे उन्होंने आपका बेटा लिखकर अपने हस्ताक्षर किए। इंदिरा देवी के माता पिता ने ग्वालियर के राजघराने से सगाई का टूट जाना तो किसी तरह से स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें ये कतई मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी जितेंद्र नारायण से शादी करे। ये दूसरी समस्या थी। इसके पीछे वजह थी कि जितेंद्र नारायण की आदतें अच्छी नहीं थी। वो एक बिगड़ैल किस्म के राजकुमार थे। ऐसा माना जाता था कि जितेंद्र नारायण में महाराजा बनने के कोई गुण ही नहीं थे। जितेंद्र नारायण को बड़ौदा रियासत से चेतावनी भी मिली थी कि वो राजकुमारी इंदिरा देवी से दूर रहे, लेकिन इस प्रेम कहानी को रोकने में ये सब कुछ काम नहीं आया। अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ साल 1913 में इंदिरा देवी ने लंदन के एक होटल में जितेंद्र नारायण से शादी कर ली। इंदिरा देवी के माता पिता अपनी बेटी के इस तरह के कदम उठाने से हैरान थे। उन्होंने इंदिरा देवी से कहा कि घर छोड़कर निकल जाओ। इसके बाद इंदिरा देवी लंदन में रहने लगी। पर इंदिरा देवी की किस्मत में तो महारानी बनना लिखा था। हुआ यूं कि साल 1913 में जितेंद्र नारायण के बड़े भाई राजेंद्र नारायण की 48 साल की उम्र में बीमारी की वजह से निधन हो गया, तो गद्दी जितेंद्र नारायण को मिली। वो अब कूच बिहार के महाराजा बने और इंदिरा देवी कूच बिहार की महारानी। करीब 8-9 सालों का वक्त गुजरा। इस दौरान जीवन खुशनुमा था। दोनों के 5 बच्चे हुए, राजकुमारी इला देवी, राजकुमार जगदीपेंद्र नारायण, राजकुमार इंद्र जितेंद्र नारायण, राजकुमारी गायत्री देवी और राजकुमारी मेनका देवी। लेकिन इंदिरा देवी की किस्मत ने फिर से करवट ली। इंदिरा देवी और जितेंद्र नारायण का साथ 9 सालों बाद छूट गया। दरअसल साल 1922 में सबसे ज्यादा शराब पीने की वजह से जितेंद्र नारायण का निधन हो गया और इंदिरा देवी सिर्फ 30 साल की उम्र में विधवा हो गई। जितेंद्र नारायण के निधन के बाद इंदिरा देवी कूच बिहार राज्य की रिजेंट बनी, क्योंकि उस वक्त उनके बेटे जगदीपेंद्र नारायण की उम्र छोटी थी। फिर लंबे समय तक कूच बिहार का राजकाज महारानी इंदिरा देवी ने ही संभाला। उनकी प्रशासनिक क्षमता औसत थी, लेकिन सोशल लाइफ में उनकी सक्रियता गजब की थी। इंदिरा देवी अपना ज्यादा समय यूरोप में बिताती। तब उनका बड़ा बेटा राजगद्दी में बैठने योग्य हुआ तो वो सारी जिम्मेदारी उसे सौंपकर यूरोप में ही रहने लगी। इंदिरा देवी उस जमाने में बेहद सुंदर थी। तब उन्हें देश की सबसे सुंदर महिला माना जाता था। उनके हॉलीवुड के कई स्टार अच्छे दोस्त थे, जिसमें से कई उनकी पार्टियों में शामिल होते रहते थे।
अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो मुंबई में थी। वहीं उन्होंने 76 साल की उम्र में बीमारी के चलते 6 सितंबर साल 1968 को आखिरी सांस ली। स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचकार अंशुल ने। स्टोरी पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें।